उत्तर प्रदेश में अब हड़ताल की तो खैर नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शायरा परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एक बार फिर से राज्य में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद अब यूपी में 6 महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लग गया है। मतलब अगर आप किसी बात को लेकर हड़ताल कर रहे हैं तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि मोदी जी ने कहा है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी, लेकिन अगर आप एक कर्मचारी हैं और हड़ताल करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए योगी जी बड़े ही अनुपयोगी साबित हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी में एस्मा एक्ट को क्यों लगाया गया है। दरअसल देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए इस एक्ट को लगाया गया है। चलिए, अच्छी बात है, सरकार कोरोना की रोकथाम के लिए ये एक्ट लगा रही है, हमारी भलाई सोच रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूपी में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। जी हां, एक तरफ एस्मा एक्ट और दूसरी तरफ हमारी सरकार चुनावों से ठीक पहले सौगातों की बौछार कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। जी हां, मोदी जी प्रयागराज का दौरा करेंगे और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लेंगे। जी हां, सरकार ने इस बात की जानकारी खुद ही दी है। पिछले 1 महीने में पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में 10वां दिन बिताएंगे। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी जी बीजेपी के चुनावी अभियान की कमान अपने हाथों में ले ली है। उत्तर प्रदेश में 2 महीने से कम में चुनाव होने की संभावना है, तो मोदी जी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कमान अपने हाथों में लेने का, क्योंकि मोदी जी के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र से ही तो यूपी का चुनाव जीता जाएगा। अब आप जरा खुद ही सोचिए कि एक तरफ एस्मा एक्ट लगाकर यूपी सरकार ने हड़तालों पर रोक लगा दी है, वहीं यूपी सरकार और मोदी जी लोगों को अपने कार्यक्रम में बुला बुला कर सौगातें दे रहे हैं ताकि देश का विकास हो, देश के हित में काम हो। तभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारा काम धाम छोड़कर यूपी में अपना 10वां दिन बिता रहे हैं, यूपी के लोगों पर सौगातों की बारिश कर रहे हैं, वो भी चुनावों से ठीक पहले। यूपी में अभी हाल ही में कई सारे छात्र छात्राएं एग्जाम को लेकर, नौकरी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो योगी जी ने सोचा कि मोदी जी एक तरफ सौगात पर सौगात दे रहे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं उससे पार्टी की छवि खराब होगी, इसलिए कोरोना का बहाना लगाकर एस्मा एक्ट को लगा दिया गया ताकि जो लोग हड़ताल कर रहे हैं उनका मुंह बंद कर दिया जाए, ताकि कोई भी सरकार पर उंगली उठाने की कोशिश ना कर सके और जो अपनी आवाज उठाएगा वो सजा पाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? कोरोना का बहाना लेकर योगी सरकार एस्मा एक्ट लगा सकती है, लेकिन इससे उनके सरकार के चुनावी रैली और कार्यक्रमों को कोई फर्क नहीं पड़ता और कभी पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि उन नेताओं के लिए चुनाव से बढ़कर कुछ नहीं है, आप लोग भी नहीं। सरकार चुनाव से पहले कई सारी योजनाओं का तोहफा लोगों को देती है, लेकिन बाद में अपने वादों को भूल जाती है। सरकार चुनाव से ठीक पहले लोगों से कई वादे करती है, विकास के नाम पर, समस्याओं को दूर करने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के नाम पर, रोजगार के नाम पर, ऐसी कई योजनाएं सरकार चुनाव के समय लाती है और बाद में ये सारी योजनाएं चिता बनाकर जला देती है। जरा आप खुद ही सोचिए कि पिछले चुनाव से पहले सरकार ने जो शिक्षा और रोजगार को लेकर वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? नहीं ना। शिक्षा और रोजगार जैसे गंभीर मामलों पर हमारी सरकार तो कभी बात ही नहीं करती है, वरना रोजगार मांग रहे उन छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होता। पिछले चुनाव में जिन छात्रों को योगी जी ने रोजगार देने का वादा किया था, आज उनको खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहे हैं। दोस्तों, चुनाव से पहले कई सारे राजनीतिक पार्टियां लोगों से कई वादे करती हैं, लेकिन सत्ता मिल जाने के बाद भूल जाती है। योगी जी और मोदी जी भी देश के विकास को भूलकर बस अपने पार्टी का गुणगान गा रहे हैं और लोगों से गुणगान गिनवा रहे हैं। तभी तो यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री को उतारा जा रहा है। देश का प्रधानमंत्री, जिसे 1 मिनट के लिए खुद के लिए फुर्सत नहीं मिलती, वो 10 दिनों से यूपी में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं।
इस खबर को देखने के बाद आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।